नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, मैं उस आदमी को नहीं पहचानती। अनजान आदमी से बुके लेने का मतलब समझती हो? इसमें बम भी हो सकता है। मेरी वकालत के नाम और शान की वजह से मेरे दुश्मन मेरी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं, समझी? यस सर। आइंदा किसी अनजान आदमी से बुके लेने की गलती मत करना। ले जाए इसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज के केस को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया? यस सर। सारे गवाह सब रेडी हैं सर। गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजकुमार। आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? मेरे लिए तो सब खैरियत है सर, पर आपके लिए नहीं। क्या मतलब? सर, मैं अभी अभी एक बहुत ही अच्छे जोशी से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि आपको राहु की बुरी दशा लग गई है आज से। अब से आप जो भी काम करेंगे वो सब उल्टा हो जाएगा। कोर्ट में आप हर केस हार जाएंगे, घर में बर्बादी हो जाएगी, आपकी सुख शांति सब खत्म हो जाएगी सर, और आप तबाह हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो राजकुमार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं किसी ज्योतिष विद्या में विश्वास नहीं रखता। राजकुमार, आज मैं एक ऐसा रेप के चुटकी बजाते ही जीतने वाला हूँ कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे, और तुम्हारे ज्योतिषी की ये ज्योतिष विद्या है ना, वो धरी की धरी रह जाएगी, समझे? नाना बनने वाले हैं, आपकी दोनों लड़कियां बिना शादी के मां बनने वाली है। क्या बात है मिस्टर वर्मा? आई एम सॉरी योर ऑनर, मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि मेरा यह केस कल तक के लिए मुलतवी किया जाए। ऑलराइट मिस्टर वर्मा। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। नीलू टीना। हेलो पापा। हेलो पापा। हेलो डॉक्टर अंकल। हेलो बेटे। बात है पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या ये सच है कि तुम दोनों प्रेग्नेंट हो, मां बनने वाली हो? खामोश क्यों हो, बोल के क्यों नहीं, जवाब दो मुझे। तुम दोनों की खामोशी खुद जवाब है इस बात का कि जो खबर मुझे मिली है वो सही है, सच है। अब बोलो। जी पापा। इस
सुन लिया खन्ना, इन दोनों ने मेरे चेहरे पर कालिक पोत दी है, वर्मा खानदान की इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए हैं। दोस्त एक काम कर, अभी इसी वक्त इन दोनों को क्लिनिक ले जा और इनका अबॉर्शन करवा दे। अबॉर्शन? नहीं पापा, हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे। सुन लिया मिस्टर के वर्मा, तूने जो मुझे सिखाया मैंने वैसा ही किया, तेरी जूती तेरा ही सर। बधाई हो खन्ना, इनका एबॉर्शन होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना पापा, हम एबॉर्शन नहीं कराएंगे। तुम्हें एबॉर्शन कराना होगा, क्योंकि शादी से पहले हम बिस्तर होना गुनाह है। तुम दोनों के आशिक शादी की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाएंगे। मुझे अपनी मोहब्बत और अपने राज पर पूरा एतबार है पापा, और मुझे मेरे सैनी पर। ये एतबार और यकीन की सरहद है, शादी के बाद शुरू होती है, शादी के पहले नहीं। ये प्यार नहीं, गुनाह है, गुनाह। इसे हमारा समाज और हमारी तहजीब कभी मंजूर नहीं करती। कुछ भी हो जाए पापा, लेकिन मैंने राज से वादा किया है मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, और मैंने भी सनी से वादा किया है कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। वाह नीलू, वाह टीना, क्या जवाबी तमाचा मारा है अपने पापा को, बधाई हो। देखो देखो, तुम दोनों मोहब्बत के जोश में होश खो बैठी हो, तुम्हें अबॉर्शन कराना ही होगा। नहीं, कभी नहीं। अगर आप हमें मजबूर करेंगे, अपना हक जताएंगे, तो हम भी अपना हक मांगने अदालत में जाएंगे। बकवास बंद करो कन्ना, इनकी पाप की संतानें मेरे घर में आंख नहीं खोलेगी। इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देकर इनके पेट में पल रहे पाप को खत्म कर दो। डॉक्टर अंकल, अगर पापा की जिद और हमारी मर्जी के खिलाफ आपने धोखे से हमारा अबॉर्शन करने की कोशिश की, तो मैं मेडिकल एसोसिएशन में आपके खिलाफ शिकायत करके आपका डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करवा दूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपको कत्ल के जुर्म में अदालतों में घसीट कर ले जाऊंगी। क्या कर रहे हो? अक से काम लो, होश से काम लो, इस मसले को समझदारी से सुलझाओ। देखो वर्मा, इनकी कंसेंट के बगैर, इनको राजी किए बगैर अबॉर्शन नहीं किया सकता। ये इलीगल है, इलीगल है। होश से काम लो, रिलैक्स वर्मा, रिलैक्स। तमाचे पर तमाचा वर्मा। बधाई हो नीरू बेटे, तुम अपने राज से और तुम सनी से अपने पापा को मिलवाओ। अगर वो शादी के लिए राजी हो जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा बेटे। हेलो, सच्चाई कितनी दुखदायक होती है वर्मा, जब तेरी बेटियों के नाजायज बच्चे तुझे पुकारेंगे नाना नाना। तू बास्टर्ड, कौन है तू? बाई तरफ देख, सब पता चल जाएगा। थैंक यू सर। बस अब आखिरी फोन मिस्टर के वर्मा के खास दोस्त डॉक्टर खन्ना को। यस सर। गुड इवनिंग डॉक्टर खन्ना, मैं एडवोकेट के वर्मा की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। जी जूली। हाँ, जरा गले में खराबी है। जी जी, कल वर्मा साहब ने अपने घर एक सरप्राइज पार्टी रखी है। जी हाँ, आपको भी इनवाइट किया है। ठीक 7 बजे। सर, वर्मा साहब ने कहा है कि इस सीक्रेट पार्टी के बारे में आप किसी को बताइएगा नहीं। जी सर, थैंक यू सर। आप सब दोस्त भाभियों के साथ यहाँ, ये क्या सरप्राइज है? ये तुम क्या कह रहे हो वर्मा, तुम्हारे सेक्रेटरी ने हमें फोन करके इस सरप्राइज पार्टी के लिए इनवाइट किया है। सेक्रेटरी ने? ये मजाक मेरी समझ में नहीं आया। वैसे आज 1 अप्रैल भी नहीं है। आज तो 6 जून 1995 है, मतलब 6695। और आज इस पार्टी में एक नहीं कई सरप्राइजेस हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? मैं ठीक कह रहा हूँ मिस्टर के वर्मा। वर्मा साहब, आपकी दोनों बेटियां दिखाई नहीं दे रही, सरप्राइजेस का सिलसिला उनके बगैर कैसे शुरू हो सकता है? जरा उन्हें भी तो बुलाइए। वो नहीं आ सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। I see. नीलू, नीलू, राज,
बेहरा, तुम अपने पापा और इन सब के सामने इकरार करो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाँ राज। नीलू, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ प्यार में जोर जबरदस्ती की? नहीं। नीलू, क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ बलात्कार करने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। तो इसका मतलब नीलू, हमारे बीच जो भी हुआ तुम्हारी खुशी से हुआ? हाँ राज। और ये भी सच है ना नीलू कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? लेकिन राज, तुम ऐसे सवाल सबके सामने क्यों पूछ रहे हो? एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि नीलू तुम ही मेरे इंतकाम का पहला बयान हो। बोलो नीलू, बोलो, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो या नहीं? हाँ राज। तो तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, यू बास्टर्ड। वर्मा, रुक जा वर्मा, प्लीज प्लीज। वर्मा साहब, ये तो पहला सरप्राइज था, अब जरा दूसरे सरप्राइज का भी तो इंतजार कीजिए। टीना, सनी, तो राज ही सनी है। टीना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ सनी। और अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। बोलो टीना, बोलो। हाँ सनी। ये है दूसरा सरप्राइज, लेडीज एंड जेंटलमैन। तूने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, दोनों को फंसाया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, हरामजादे, कमीने, कुत्ते। होश में आओ सनी। तो तुम ही मेरी दीदी के राज हो? ये हमारा गुनहगार है। तुम इतने नीच और कमीने हो। तुमने मेरे साथ साथ मेरी मासूम बहन की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया, और अब सबके सामने हमें जलील कर रहे हो। मैं पूछती हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझे इसी सवाल का इंतजार था नीलू, कि मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह मासूम था, मगर इस जहरीले इंसान ने मेरी मासूम रगों में नफरत का जहर भर दिया और मैं पागल हो गया, वैश्य हो गया, दीवाना हो गया। और आज मैं तुम्हें ही नहीं, सारी दुनिया को बताऊंगा कि इस दरिंदे ने मुझे अपनी ही नजरों में कितना गिरा दिया है। याद कर वर्मा, आज से 20 साल पहले की तारीख याद कर। 6676। दीदी, आज राखी के दिन आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं भैया। दीदी, आप ही ने तो कहा था कि बहन भाई की कलाई पर राखी इसलिए बांधती है कि बहन के दुख में भाई उसकी रक्षा करे। हाँ राज। आप क्यों रो रही हो दीदी, मुझे बताओ ना। तू अभी बहुत छोटा है ना भैया, जब बड़ा होगा तो बताऊंगी। नहीं दीदी, मुझे अभी बताओ। क्या हुआ सरला? सरला, क्या हुआ बेटे? आखिर हुआ क्या है, बोलना। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। लेकिन हुआ क्या है? उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। किसने तुझे धोखा दिया? साफ साफ क्यों नहीं बोलती? के वर्मा ने। तो तुम माँ बनने वाली हो? हाँ। बहुत खुशी की बात है। तो आप मुझसे शादी करेंगे ना? शादी? तुम शादी की चीज थोड़ी हो, तुम तो ऐश का सामान हो। लो पियो। नहीं नहीं, देखिए, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपने मुझसे शादी करने का वादा किया है। अगर वादा नहीं करता तो तुम मेरे बिस्तर तक कैसे आती है? आओ, हमारा बिस्तर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आओ। नहीं। अरे क्या नहीं नहीं करती हो, आई हो तो इस दोपहर को अपनी जवानी की मस्ती से मस्त कर दो, आओ।
नहीं, ये कैसी बातें करते हैं आप? अपने होने वाले बच्चे के खातिर, अपने प्यार के निशाने के खातिर आपको मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। अरे 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 अरे, इतने मोटे मोटे आंसू, हाँ? मेरी जान, हाँ? ए मेरी जान, एक काम करो, ये 5,000 रुपया लो और अपनी प्यार के निशानी का अबॉर्शन करवा लो, तुम फिर इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक बन जाओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। ए! किसका गिरेबान पकड़ती है, के वर्मा का? क्या लड़कियां मेरा बिस्तर गरम करने आती है, गिरेबान पकड़ने नहीं, चल। के वर्मा, कहां राजा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तू चैन से नहीं बैठ सकता? ए, चिल्लाओ मत, हमारे इस घर के शीशे बहुत नाजुक है, ऊंची आवाज से ये चकनाचूर हो जाएंगे। तुम्हारे घर के शीशे चकनाचूर हो जाएंगे तो बाजार में दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी पर तुमने जो दाग लगाया उसे कौन मिटाएगा? ए, इतनी सी बात के लिए चिल्ला रही हो, हैं? जाकर सड़क पर बैठे किसी भिखारी से इसकी शादी करवा दे, तेरी बेटी को एक पति भी मिल जाएगा और उसके सारे दाग भी धुल जाएंगे, जा। वर्मा! चुप! मैंने कहा ना ऊंची आवाज नहीं, मेरा नाम एडवोकेट के वर्मा है, मेरे लिए किसी पर इल्जाम लगवाकर उसे गुनहगार साबित करना या किसी गुनहगार को साफ बरी करवा लेना बाएं हाथ का खेल है। और मुझे भी कमजोर मत समझ वर्मा, मैं भी एक माँ हूँ, बेहतर यही होगा तुम मेरी बेटी को अपना ले और उसे पत्नी का दर्जा दे। पत्नी? पत्नी वो होती है जो शादी के बाद सुहागरात मनाती है और शादी से पहले बिस्तर पर सोने वाली वेश्या होती है, वेश्या, और वेश्या से शादी नहीं की जाती, सौदा करते हैं, सौदा। वर्मा! ए बुढ़िया, होश में आ। पहले तू होश में आ और याद रख, अब मैं तेरी असलियत दुनिया वालों के सामने खोलूंगी, तुझे घसीट कर अदालत ले जाऊंगी, चाहे मेरे बेटे की कितनी भी बदनामी हो, तुझे और किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। की बारिश में दरबदर होता रहा, खून के छींटे मेरे चेहरे पर अंगारों की तरह दहकते रहे। इस वर्मा ने मेरे बचपन को जिस शहर से सींचा है, उस शहर से सींचा गया पेड़ चंदन का पेड़ तो नहीं हो सकता ना, इसने मेरे बचपन को पनप नहीं नहीं दिया, प्यार नाम के खूबसूरत जज्बे के जन्म लेने से पहले ही इसने उसका गला घोट दिया। लेकिन जिस तरह से तुमने इनसे बदला लिया है ये तो बहुत ही घिनौना तरीका है। अगर तुम्हारी माँ और बहन के साथ यही हुआ होता तो क्या तुम उनकी मौत और गैरत का बदला नहीं लेते, ऐसे ही खामोश बैठे रहते एक नपुंसक की तरह? लेकिन तुम्हारा गुनहगार के वर्मा था, तुम उसे गोली मार सकते थे। अगर मैं इसे गोली मार देता तो ये चैन की मौत मर जाता, लेकिन इसे तरसा तरसा कर मारना ही मेरा इंतकाम है। लेकिन इनकी लड़कियां तो मासूम थी, तुमने इनके साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बहन भी तो मासूम थी, क्या कसूर था उसका, उसके साथ इस दरिंदे ने ऐसा क्यों किया? यही तुम्हारे सवाल का जवाब है और यही मेरा इंतकाम है। अब मैंने समाज के ठेकेदार को इसी समाज के सामने जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है, यही मेरा इंतकाम है। अपनी ही औलादों से नजरें ना मिला सके, यही मेरा इंतकाम है। और
तुझे खत्म करना ही मेरा मकसद है। इंतकाम की आदि में झोंक दिया। तूने तूने राज के मजलूम बचपन को हैवान और दरिंदा बना दिया। तेरे गुनाहों का बदला राज ने मुझसे और टीना से लिया है। तुम पाप है ये राक्षस। राज को खत्म करने से पाप की जड़ें नहीं उगड़ेंगी। तूने जो शर्म और जिल्लत का हकदार हमें बनाया है, आज आज तेरी बेटी होने के नाते वही हक मैं अदा कर रही हूं। खिलौने और गंदी कहानी है तेरे इंतकाम की। तुझमें और के वर्मा में फर्क ही क्या है? तुम दोनों ही ने औरत के प्यार को बेइज्जत किया है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने औरत की इज्जत को? जरा सोच, औरत कितनी महान होती है। जिस नीलू को तूने बर्बाद किया उसी ने तेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसकी आंखों की तरफ देख, कितने आंसू भर दिए तूने इसकी आंखों में, फिर भी इसने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन माँ, मैं नफरत का समंदर पार करके आया हूँ। उसका जहर मेरे खून के कतरे कतरे में समा गया है। तो क्या तू अपने बेटे को भी अपने जैसा हैवान बनाना चाहता है, ताकि वो बड़ा होकर खुद की और अपनी माँ की बर्बादी का इंतकाम ले, नीलू की मौत का बदला ले तुझसे? मैं पूछती हूँ, कब तक चलता रहेगा ये इंतकाम का सिलसिला? कब होगा इसका अंत? देख, अपने बेटे की तरफ देख। इसका प्यार तेरे नफरत के जहरीले समुंदर को अमृत का सागर बना देगा। इसकी आंखों का गंगा जल तुझे पवित्र कर देगा। औरतों की इज्जत करना सीख राज। मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया राज, लेकिन यशोदा बनकर कृष्ण की तरह पाला है तुझे। क्या मेरी ममता का और तेरी माँ के दूध का रंग बदल गया है? नहीं माँ, नहीं। मैं कहती हूं, अपना ले इस बेगुनाह को, बदल दे इस खिलौनी कहानी को अब इस प्यार की कहानी में, क्योंकि प्यार ही जीवन है और प्यार ही परमात्मा। माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।